महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच, धार, बड़वानी और खरगोन में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के चलते बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। फिर मौसम की अचानक करवट बदली और मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने फिर मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस बार मानसून मेहरबान रहेगा, यहां सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर में यह 13 जून के आसपास शेड हो सकता है। गौरतलब है कि मौसम विभाग 13 जून से बारिश होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। इस वर्ष अरब सागर और बंगाली खाड़ी का मानसून देश में प्रवेश कर रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मानसून की बात करें तो अभी मानसून मुंबई में प्रवेश कर चुका है और यदि हम अपने मालवा और निमाड़ की बात करें तो मालवा और निमाड़ में 13 और 14 तारीख से मानसून का आगमन है और 13 और 14 तारीख से लगाकर 19 तारीख तक पानी गिरने की संभावना है। इस दौरान हम देखते हैं कि मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है और IMD ने अभी जो 14 से लगाकर 15 और 16 तारीख के बीच में मालवा और निमाड़ के कुछ कुछ जिलों में हो सकता है मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और यदि हम तापमान की बात करें तो जो तापमान अभी जो अधिकतम तापक्रम चल रहा है वो घटने की संभावना है, वो नीचे जाएगा। अभी 38-39 के आसपास चल रहा है, ये 36-37 के आसपास जाएगा और जो अधिकतम तापक्रम अभी जो चल रहा है 25-26 डिग्री के आसपास, तो ये भी घटकर 22 और 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस दौरान हम देखते हैं कि पानी गिरने और दिन में धूप निकलने के कारण उमस का सामना करना पड़ेगा। इस बार क्या है, मानसून अरबियन सागर वाला मानसून पीरियड हो गया था और वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो बढ़ते हुए प्रवेश कर चुका है कई कई प्रदेशों में और जो एक मानसून बंगाल की खाड़ी में भी सक्रिय हो गया है। वो बंगाल की खाड़ी में जो सक्रिय मानसून हुआ उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बॉम्बे में कल जोरदार बारिश हुई और ये मानसून अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में प्रवेश करेगा और 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में हमको बीच बीच में एक या दो दिन हमको कहीं कहीं भारी बारिश प्राप्त होने की संभावना है। भारी बारिश की बात करें तो यदि 5 इंच से ज्यादा पानी गिरता है तो हम भारी बारिश में लेते हैं, उसको रेड अलर्ट जारी कर देते हैं। और रेड अलर्ट में ये कि इस बार गर्मी के मौसम में नालियां वालियां सब बंद पड़ी होगी तो प्रशासन विशेष तौर से ध्यान देकर जो पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था करें और किसानों को भी सलाह दी जाती है कि किसान भी अपने खेत पे जो मेड़ वेड़ बना रखी हो तो पानी जब भारी बारिश होती है तो खेत पे सतत निगरानी रखें और पानी निकास की व्यवस्था करके रखें, अन्यथा फिर बोनी करने में देरी होगी। अभी कुछ कुछ जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है उन्होंने, IMD ने, वहाँ 5 इंच से लगाकर 5-6-7-8 इंच पानी गिरने की संभावना व्यक्त की गई है 2 दिन। 14 तारीख और 16 तारीख को विशेष बारिश और रेड बारिश होगी जिसके कारण रेड अलर्ट किया गया और सतर्क रहने की संभावना सतर्क रहने का के लिए नागरिकों को सचेत किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।